एकदम सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की विजिट करते हैं, उसमें हमारा एक महत्वपूर्ण काम होता है फीडबैक देना। तो फीडबैक तभी दे सकते हैं जब हम उस पर्सन के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, कि जब तक कनेक्शन नहीं है तब तक फीडबैक का कोई मतलब नहीं होता है। कुछ लोग कनेक्शन एक विजिट में बना लेते हैं, उसको टाइम लगता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर बातचीत तभी आगे बढ़ पाएगी जब कनेक्शन हो जाएगा, नहीं तो मैं इधर आप उधर, मैं सुन नहीं रहा है, मैं कुछ बोल कितना बोलता रहूँ, है ना। तो पहला जो मुझे लगता है सबसे जरूरी चीज़ है कनेक्शन, जितनी जल्दी बन जाए। कभी कभी हम फर्स्ट एक स्माइल ही कनेक्शन के लिए बतौर आंखों की चमक, हमें हमारा उस पर ट्रस्ट काफ़ी होता है, कभी कभी नहीं। तो पहला स्टेप मैं तो मानता हूँ कनेक्शन। कनेक्शन के बाद जस्ट शेयरिंग ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व, हमने क्या ऑब्जर्व किया, जो मैंने क्लास में देखा क्या हो रहा था, वो जो दो तीन घटनाएं आप सिलसिलेवार से पढ़ सकते हो, ये चीज़ें एक दो तीन चीज़ें मैंने क्लास में होती हुई देखी। और उसके बाद इम्पैक्ट, जो आप क्योंकि आप तो क्योंकि आपने कई क्लासें देखी हैं, जो जो आपने देखा उसके होने से क्या फ़र्क पड़ता है लर्निंग पर, क्लासरूम मैंने क्लासरूम कल्चर पर, वो आप बता सकते हैं कि ये होने से ये अच्छा हो रहा था, ये होने से जो ये सिंगल पॉइंट था उसके साथ क्लासरूम कल्चर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी रहा है, उसमें इसका ये फ़र्क पड़ सकता है। तो सबसे पहले आपने कनेक्ट किया, फिर आपने अपने ऑब्जर्वेशन शेयर किया जो आपने ऑब्जर्व किया, फिर आप उसका इम्पैक्ट बता रहे हो, और सबसे आखिरी में सबसे मुश्किल काम है नेक्स्ट व्हाट, अब क्या करना है नेक्स्ट प्लान, कि ये अब अभी मैंने ऑब्जर्व किया ये इसका इम्पैक्ट है, और अभी हम इस इम्पैक्ट को पावरफुल ऑप्टिमम जो डिजायर्ड है वहाँ तक लेके जाना है। तो इसमें अगर ये चार दो चीज़ें एक चीज़ हम मिलके बेहतर कर सकें तो हमारा काम हो जाएगा। हम सब तो हैं बच्चों को निपुण बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं, तो इतनी इस उसका ध्यान जरा सी बात का ध्यान रखेंगे तो हम शायद बेहतर कर सकते हैं। तो स्मॉल स्पेसिफिक रखें और मिजरेबल रखें, टाइम आउट रखें आखिरी वाले पॉइंट को, तो हम बेहतर कर पाएंगे। तो इसको कॉइन फ्रेमवर्क भी बोलते हैं, कनेक्ट ऑब्जर्व इम्पैक्ट एंड नेक्स्ट पार्ट। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बाकी सारी साझा कीजिए, और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए। ये आपका अपना चैनल है, तो बने रहिए लर्निंग कम्युनिटी के साथ। जय हिंद, जय भारत।